हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर नंबर सिस्टम के बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, हम ये सीरीज चला रखी है कि नंबर सिस्टम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और आज के बाद कभी नंबर सिस्टम और कहीं से पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पेड की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे ऊपर का तो मैं करवा रहा हूँ आपको। तो फिर पेड का क्या करना है आपको, वही चीज है यहाँ पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको इतने जबरदस्त क्वेश्चन करवाए नंबर सिस्टम के, जो कि बिल्कुल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप में से कोई ये बोल ही नहीं सकता कि वो मेंस में नहीं आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और आपसे हो सकता है वो निकले भी ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसके अंदर पिक किए हैं, और आज के लेक्चर में भी बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं पिक करने वाला हूँ जिसके अंदर कि आप अगर जाएंगे तो हो सकता है मेंस में आपको बहुत दिक्कत आए, आपको पता ही नहीं लगे कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है नंबर सिस्टम को। तो वो क्वेश्चंस की जो ट्रिक्स हैं, कैसे अप्रोच करना है, कैसे फटाफट से उन क्वेश्चंस को हल कर देना है, देखते ही पता लगे कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर तो भाई ये कर दो, फटाफट से हो जाएगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, ऐसी चीज़ें आज सिखाऊंगा आपको मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो गाइस। चलिए स्टार्ट करें इस। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है व्हाट शुड बी एडिड टू दिस नंबर सो दैट द नंबर विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन क्यों उठाया है मैंने, और सोचने वाली बात है कि वो क्यों ये क्वेश्चन देगा, TCS ऐसा क्वेश्चन क्यों देगा। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सोचो भाई कि ऐसी चीज़ ही क्यों पूछेगा वो। GK में भी हमेशा बोलता हूँ कि यही क्यों पूछा, 7th rank ही क्यों पूछा, किसी कंट्री का 7th largest ही क्यों पूछी, 7th richest player ही क्यों पूछा। तो वही चीज़ है, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा उसने। तो क्या वो आपको ये नौटंकी करवाना चाहते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बहुत सारे बच्चे ये करके एंड में निकल जाएगा, 15-20 मिनट लगा के मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इस क्वेश्चन को, और फिर देखेंगे उसके अंदर क्या ऐड करना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक इतनी लंबी वैल्यू आएगी और उसमें देखेंगे कि क्या ऐड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बात है ना, क्या दिमाग लगाएंगे आप कि इतना बड़ा ना, पहले तो मल्टीप्लाई करोगे फिर एंड में पूरा इतना लंबा 10 डिजिट का कोई नंबर आ जाएगा और उसमें ऐड करके देखोगे कि किससे वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर आप ऐसी अप्रोच रखते हैं तो कभी भी आप पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसी अप्रोच को ख़त्म करना है, पहले ही देख लेना प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो एंड में जाके क्या निकालूंगा, क्या निकालने वाला हूँ भाई मैं, अगर इनको दोनों को आपस में सच में मल्टीप्लाई करके तो एंड में क्या निकालने वाला हूँ मैं, एक बहुत बड़ा नंबर जिसके अंदर मैं ये देखूंगा कि क्या ऐड करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कुछ नहीं होने वाला उससे, गलत अप्रोच। हमेशा देखो कि अगर तो आपको नहीं ट्रिक पकड़ में आ रही है ऐसे क्वेश्चंस की पेपर के अंदर, तो हमेशा छोड़ने में बेनिफिट है। एंड में देखो कि अगर क्लिक कर गया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर पहले किया हुआ है तो फिर तो मोर वेल एंड गुड है, अभी करवा रहा हूँ आपको, एक बारी कर लो। तो इसके अंदर क्या है देखिए, आप सबने सुना होगा ये, देखो आपस में कभी भी मल्टीप्लाई करके इसको नहीं निकाल सकते हैं। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मेरे से भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ट्रिक क्लिक ही नहीं करी इसकी कि क्या होगा, लेकिन बाद में फिर कर गई थी तो वो समय लगा के मैंने फिर इसकी ट्रिक निकाल ली। तो वही है, आप देखो यहाँ पे कि 45 है, यहाँ 47 है, दोनों सेम नंबर हैं, बस 2 का डिफरेंस है दोनों के अंदर। जब भी ऐसा कभी हो कि 2 नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस हो और पूछ लिया जाए उसके अंदर कि क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, आंसर हमेशा 1 होगा। बिना मैं कुछ किए इसका आंसर 1 लगा के आगे निकल जाऊंगा। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है आपको एक्सप्लेनेशन देना? नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ ट्रिक थोड़ी ना बतानी है, मैं हमेशा आपको क्या बताता हूँ, कंसेप्ट बताता हूँ कि भाई क्यों है ये। तो वो देखते हैं कि क्यों है ये। आप देखो मैंने क्या बोला कि ये 45 और ये 47 है, 2 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 2 का सिर्फ। तो क्यों है 2 का डिफरेंस वो समझिए। वो इसलिए है क्योंकि मैं इससे कुछ इस तरह का बना सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा मैं बना सकता हूँ, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, कुछ ये चीज़ है। तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ इसके अंदर, कैसे बना सकता हूँ वो देखिए। 8315945, 8315946, 8315947, है ना। ये जो है और ये है, ये हमें दे रखा है, मैं बीच वाले नंबर को यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको इस 45 को क्या लिख सकते हैं आप मेरे को बताओ। आप ये नहीं लिख सकते 8315946-1, है ना। इस नंबर में से अगर मैं 1 को माइनस करूँ तो ये बन जाता है, क्या लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे 47 वाले को, इसको मैं लिख सकता हूँ 8315946, है ना। इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो ये बनेगा तो +1। क्या इसमें कुछ गलत है, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम नहीं है, है ना। थोड़ा सा ध्यान दो, सेम है इक्वेशन। कि इसको 45 को लिखने के लिए क्या कर दिया, 46 में से 1 माइनस, और 47 ले लिया 46 में 1 ऐड कर दिया। अब देखो ये बन गया a-1, ये बन गया भाई a+1, तो ये क्या बना,
इस पूरे का आप क्या लिख सकते हो, इसको ए स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं ना, यानी कि ये क्या बन गया 8315946 का स्क्वायर माइनस वन बन गया ये। कोई दिक्कत, वन का स्क्वायर लिख लेना अगर नहीं समझ आता, वन का स्क्वायर वन ही होता है ना, तो ये माइनस वन। अब इसमें पहले क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, भाई ये तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन ही गया, इसमें अगर मैं वन को ऐड कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये है इसका कंसेप्ट। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ये नोटंकी वहाँ पे करनी नहीं है, आंसर आपको डायरेक्टली वन मार्क कर देना है ना। क्यों मार्क करना है वो आपको दिख ही गया कि ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर बनेगा, तो वो उसमें से उस वन को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो वो वन ही आंसर है फिर, है ना। कि क्या ऐड करें, वो माइनस वन है तो प्लस वन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये अक्सर मेंस में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको बड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये कभी भी पूछ लेते हैं, ये तो ऐसा होता है ना कि हर टेस्ट सीरीज में भी यही क्वेश्चन चल रहा है, बस वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, अदरवाइज क्या कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कभी पेपर में आ रहा है, कभी रेलवे में आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है, ये बार बार हर जगह पर आ ही जा रहा है। तो ये भी देख लीजिए कि कैसे करना है। बोला ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63। एक नंबर है उसको जब मैं एन को 899 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 63 आता है रिमाइंडर। बोल रहे इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, अगर n को मैं 29 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछ रहा है मुझसे। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है कि ये जो 29 है ना, ये इसका कोई ना कोई ना फैक्टर ही होता है 899 का, ये हमेशा होगा, कभी भी आप देख लीजिएगा ये हमेशा होता है, तभी वो ये क्वेश्चन पूछता है। वो उसका पूछने का पर्पज ही ये होता है कि अगर इस 899 से डिवाइड करूँ 63 आ रहा है, तो अगर इसी के किसी फैक्टर से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा। तो वही है ना समझने वाली चीज़, सबसे पहले तो चेक करते हैं कि क्या ये इसका फैक्टर है भी 29 के, नहीं है, पूरा इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ज़्यादा पंगे में पड़ते ही नहीं है। वैसे सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि तीन से अगर करूँगा 3 9 7 तीन 6 7 8 87 और साधारण दो, ये लीजिए, एक सेकंड भी नहीं लगा मुझे ये करने में। कुछ लोग तो यही सोचने लगे हैं इसको 29 से डिवाइड करना, ओए मेरे भगवान, इतना जितना आप ये नोटंकी करने में लगाएंगे वहाँ पे, एक सेकंड के अंदर मैंने आपको ये प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ऐसी कैलकुलेशन भी एक सेकंड में हो जाती है। इसमें क्या किया आपने, बेसिक तरीके से फटाफट से कर दिया। कुछ लोग इसकी भी ट्रिक्स करने बैठ जाएंगे, भाई तो कितनी ट्रिक्स करोगे। तो ये देखिए एक सेकंड की चीज़ थी जो मैंने आपको करके बता दी कि 29 इसका फैक्टर है ना, पूरा पूरे डिवाइड हो रहा है 899। जब इसका फैक्टर है, आप मेरे को बताओ कि जब इस बड़े वाले नंबर को हम कर रहे तो 63 आ रहा है ना, ये 63 रह गया होगा। कहने का मतलब है कि n को जब 899 से किया तो वो सब डिवाइड होगा, 63 बच गया है ना। अब इसी नंबर को जब मैं n को ही 29 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एंड में देखो, जब ये 899 का फैक्टर है तो ऑब्वियस ही बात है कि इस एंड तक वो कटता रहेगा, वो पूरा नंबर एंड तक कटता रहेगा। अब मान लो कि 63 आ गया एक पॉइंट पे, तो ये 63 जो है 899 तो इसको काट नहीं सकता था 63 को, लेकिन 29 तो 63 को काट सकता है ना। तो क्या 29 में कितने टेबल पे कट जाएगा, दो टू नाइन जो दो नीम 18 एक दो चार पाँच 58 पे कट जाएगा। तो ये कितना हो गया 59 65, यानी अब आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा गाइस। ये समझने वाली चीज़ थी इसके अंदर कि मतलब जब यहाँ पे 63 आया तो 899 तो उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता था, लेकिन 29 है जो वो इस 899 का ही फैक्टर है। तो जब 60 आपको पूरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 899 ने इस नंबर को काट दिया तो 29 तो वही काटेगा ही काटेगा ना, क्योंकि वो उसी का फैक्टर है। या आप कोई भी नंबर उठा लीजिए उसमें करके देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आती ऐसी चीज़ें, है ना। तो ये फिर इसमें 63 जो बचा है इसको मैं बस 29 से काट के देख लेता हूँ। 29 से काटते हैं तो हमारा 5 रिमाइंडर आ जाता है, इसका मतलब 5 आपका रिमाइंडर हो गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, ये जो आपको दे रखा होता है रिमाइंडर, इसको आपको इस 29 से डिवाइड कर देना है और आपको पता लग जाएगा कि कितना आपका रिमाइंडर आ रहा है। इस रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर दे रखा है उसको, ये जो नंबर बोला गया जिससे डिवाइड करें वो उस रिमाइंडर को उससे कर दो डिवाइड, है ना। तो उससे जितना रिमाइंडर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो बहुत काम आएंगी आपके पेपर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं याद, ये मैंने करा रखा है इसका कंसेप्ट आपको, जब मैंने पूरी की पूरी क्लास ली है
उसके अंदर और जो एक्स्ट्रा वीडियोज है उनके अंदर ये कंसेप्ट पूरा क्लियर किया है मैंने आपको। अगर आपने पूरी वीडियोज़ देखी है नंबर सिस्टम की, वो एक कंप्लीट वाली वीडियो साथ में जो एडिशनल वीडियोज़ आई हैं 2 या 3, उनको भी अगर आपने देखा है तो आपको ये कंसेप्ट पता होगा। मैंने क्लियरली उसके अंदर बताया है ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, ये आना चाहिए आपको, नहीं तो इसका क्वेश्चन नहीं आपसे होने वाला, ये पेपर में आएगा और आप नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए ये कंसेप्ट आना ही चाहिए। तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा हो कि मैं 2 नंबर से सेपरेटली डिवाइडेड बाई 33, कोई 2 नंबर हैं उनको हमने 33 से डिवाइड कर रहे हैं हम, मान लो ये ए नंबर है ये बी नंबर है, तो अगर वो पूछ सकता है कि ए प्लस बी जो उनका सम है उसको 33 से डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, ये चीज़ें पूछ सकता है। मैंने बताया था आपको यहाँ पे R1 रिमाइंडर होता है, अगर यहाँ पे R2 होता है, और यहाँ पे अगर आपको ये वाला रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो बताया था, ये R3 है सपोज करो। तो मैंने क्या बताया था, ये जो 33 है यानी कि डिवाइजर है जो 33 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 प्लस R2 माइनस R3, यानी कि दिस रिमाइंडर प्लस दिस रिमाइंडर माइनस दिस रिमाइंडर, इससे हमारे को क्या मिल जाता है, ये 33 यानी कि डिवाइजर मिल जाता है, 33 नहीं मिलता बेसिकली डिवाइजर मिल जाता है, यहाँ तो 33 ही डिवाइजर है तो ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल रखे, जब इस 2 नंबर्स को करते हैं तो 21 और 28 रिमाइंडर आता है, ये 21 दे रखा है ये 28 दे रखा है भाई, बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33, सम यानी कि a प्लस बी को अगर उससे करेंगे 33 से ही डिवाइड करेंगे देन द रिमाइंडर विल बी, तो यहाँ पे R3 की वैल्यू पूछ रहे कि R3 क्या है ना, तो डिवाइजर आपको पता कि 33 है, R1 आपको पता 21 है, R2 28 है माइनस R3, तो इस 28 R3 इसको इधर ले आते हैं, 29 30 है ना, 5 21 माइनस 5 और ये हो गया आपका 16। तो गाइज आपका अगर इन दोनों नंबर्स को सम करके हम 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इनके कंसेप्ट के गो थ्रू हुई है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियोस देख रहे हैं तो ये वीडियोस देखने से पहले आप मेरी सारी की सारी कंसेप्चुअल वीडियोस देख लीजिए, एक फुल वीडियो कंसेप्चुअल बनाई है, साथ में उसके 2 या 3 एक्स्ट्रा वीडियोस भी हैं वो भी आपको देखनी पड़ेंगी, तभी सारे कंसेप्ट आपके पकड़ में आएंगे। उसमें मैंने सारे A to Z नंबर सिस्टम के कंसेप्ट कवर कर दिए, उससे बाहर कभी कुछ आ ही नहीं सकता पेपर में, तो ये मैंने आपको करवा दिया है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये डेलिब्रेटली उठाया गया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी अगर बाय चांस उसने पूछ लिए तो ठीक है, नहीं भी पूछे तो भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होने चाहिए, ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया गया, लेकिन ये चीज़ समझने वाली है कि ये चीज़ हमेशा आपको याद होनी चाहिए कि हम क्या सोचते हैं कि 0 एक न्यूट्रल नंबर है, मतलब नंबर लाइन है, तो इस तरफ हो गए 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव वाले, इस तरफ हो गए -1 -2 है ना। तो हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि ये एक न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल नंबर तो है उसमें कोई दिक्कत नहीं कि न्यूट्रल नंबर है ये, है ना, और इंटीजर भी है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अगर ओड इवन की टर्म्स में वो पूछने लग जाता है तो हमें समझ नहीं आता कि इसको ओड लें कि इवन लें। गाइस 1 हो गया 3 हो गया ओड है, है ना, लेकिन 2 जो है वो क्या है, इवन है। तो अब ये 0 की जो बात करते हैं, हम 0 को हम अक्सर इससे कंफ्यूज कर देते हैं भाई कि ये तो एक न्यूट्रल नंबर है तो ये ओड इवन नहीं होगा, ये हम गलत करते हैं। हम क्लासिफिकेशन जो नंबर की कर रहे हैं, हम किस बिहाफ पे कर रहे हैं पहले तो हम वो देखें, अगर तो हम ओड इवन की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। अगर आप इसको मतलब कि न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है ना। पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल में अगर पूछेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, ये ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ये अलग है ना, ये अलग चीज़ है। और ये क्लासिफिकेशन जो ओड इवन वाली है ये एक अलग चीज़ है, इसको और दोनों को मिक्स करके अगर आप सोच रहे हैं तो फिर वो गलत है ना, दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हैं, दो क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस हैं उनके, है ना। अब रैशनल इरेशनल अगर पूछेंगे कि 0 रैशनल है या इरेशनल, तो ऑब्वियस बात है वो रैशनल है ना, उसको अब ये थोड़ी ना बोल देंगे कि वो इरेशनल है, ये अलग क्लासिफिकेशन है, इसको और इसको नहीं मिक्स कर सकते, इसको नहीं, बहुत अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन है, उनको मिक्स नहीं करना है। तो 0 अगर कभी पूछा जाए कि ओड है या इवन है तो 0 जो है वो एक इवन नंबर है। इसको याद कैसे रख सकते हैं, वो वैसे भी रख सकते हैं कि आपकी नंबर लाइन पे एक ओड आएगा फिर इवन आएगा फिर ओड फिर इवन ऐसे आएगा, है ना। तो आप खुद देखिए कि ये इवन है ये ओड है ये फिर से ओड है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे इवन आना चाहिए क्योंकि -1 क्या है, ओड है, तो ये ऐसे ही चलेगा पूरा क्रम। तो यहाँ पे जब ई आ रहा है 0 के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है ये इवन नंबर है, ये आपको बस ध्यान रखना है इसके अंदर। तो ये क्या हो गया इसका, इवन नंबर, ठीक है। इसका भी मैंने कंसेप्ट आपको प्रॉपर बता दिया कि कैसे आइए।
अब देखिए फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा उठाया गया डेलिबरेटली कि क्यों ये क्वेश्चन उठाया गया। मैंने आपको बताया है कि जो पूरी फुल वीडियो है वो बहुत सारे लोगों ने देख ली है, वो जो छोटी वीडियोज़ है ना जो दो थी नहीं है वो शायद आप में से कुछ लोगों ने मिस कर दी होंगी, तो शायद लग रहा होगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वही क्वेश्चन उठा लिए गए हैं। अब ये कैसे क्वेश्चन करने हैं ये पता नहीं लगेगा ऐसे वाले क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को करने के लिए वो वीडियोज़ देखनी ही पड़ेंगी आपको, उनके अंदर सारे कंसेप्ट कवर हैं यार। अगर देख रहे हैं कुछ तो पूरी की पूरी वीडियोज़ देखें, नहीं तो फ़ायदा नहीं है, फिर आधे कंसेप्ट छूट जाएंगे, फिर पेपर में आ जाएगा, फिर बोलोगे कुछ कराया नहीं है ना। तो देखिए फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। मैंने क्या बताया था आपको कि 2 और 3 के बीच में, ये 2 है ये 3 है, इसके बीच में कभी भी इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो वो कैसे करना है, ये अभी 2 3 को छोड़ो, ये ए और बी है तो इसमें कभी भी इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो रूट ए बी जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। हालांकि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं ए और बी के बीच में, ये भी पूछ सकता है कि वो कितने नंबर होंगे, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर की बात करें तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ये हम नहीं बता सकते हैं। रैशनल नंबर पूछेंगे तो वो भी कितने भी हो सकते हैं ये हम नहीं बता सकते कितने होंगे, लेकिन वो अगर पूछ लेगा कि कौन सा है इसके बीच में एक निकालना ही है तो फिर ये रूट ए भी कर देना, बस उससे हो जाएगा है ना। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, खुद सोचिए, यहाँ पे मान लो ये 2 3 उठा लेते हैं तो अगर रेशनल नंबर की बात करें तो क्या 2.1 नहीं हो सकता, क्या 2.3 नहीं हो सकता है ना। ये फाइनाइट नंबर है, यानी जो नंबर फाइनाइट है यानी कि जो एंड हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से हैं, जो जिनका कभी अंत ही नहीं हो सकता, अनंत है वो, आप जितना भी सोल्व करते रहे वो कभी आप उनकी एंड वाली वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे पाई है, पाई एक मैंने बताया भी था ये कि इरेशनल नंबर है, आप 3.14 जो ले रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आप कभी भी पाई की वैल्यू को, जो इरेशनल नंबर को मतलब कि सोल्व करने का तरीका है, आप कभी भी करेंगे तो ये मैं, मेरे को जहाँ तक याद है पता नहीं 5 करोड़ वैल्यू पता नहीं कितनी, मेरे को याद नहीं आ रहा, सुपर कंप्यूटर से इतने सॉल्व किया, उसके बाद वो भी हार मान गया कि भाई इससे आगे पाई नहीं हो सकता हमसे, मतलब उसकी भी हद से बाहर चला गया पाई, मतलब पाई की एंड वाली वैल्यू किसी को मिली ही नहीं अब तक, पाई की कोई एंड वाली वैल्यू नहीं है। तो ये इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू ही नहीं एंड हो रही, एंड तक चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है ना। वो जो 22/7 लेते हैं वो भी सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो कोई फाइनल वैल्यू नहीं है पाई की, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का वही मतलब है कि इरेशनल नंबर भी इसके बीच में कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनकी कि आप वैल्यू निकालते रहेंगे वो कभी एंड ही नहीं होगी है ना। ओके तो इसका आप, अगर आपको बस मुद्दे की बात ये है कि आंसर निकालना है तो रूट ए भी है, यानी कि रूट में 2 इंटू 3 यानी कि रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। रूट 6 इसके अंदर एक ऐसा इरेशनल नंबर है, ये आप मार्क कर दीजिएगा, वहाँ एग्जाम में भी आपको इसी फॉर्म में आंसर आएगा। गाइज इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना नहीं हो पाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन को फिर से कंफ्यूज कर रहा है आपको, और आप शायद पता भी ना लगा पाएं कि इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज़ करना है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक मैंने कंसेप्ट कंजीक्यूटिव रिमाइंडर्स का बताया था, एक सक्सेसिव रिमाइंडर्स का बताया था, ये दोनों कंसेप्ट बताए थे मैंने, और वो वीडियो का थंबनेल क्या था उसके ऊपर मैंने लिखा था कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको पहली बार में छोड़ना ही अच्छा है। वो क्वेश्चन कौन सा था, वो कंजीक्यूटिव रिमाइंडर का था, लेकिन ये सक्सेसिव का है। यहाँ पे सक्सेसिव को छोड़ना नहीं है कभी भी, कंजीक्यूटिव को छोड़ना है। कंजीक्यूटिव को छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत नौटंकी करनी पड़ती है तो वो बहुत टाइम वेस्ट कर देगा, शायद 10 मिनट भी आपके वेस्ट हो जाए तब भी पता नहीं निकलेगा कि नहीं। लेकिन सक्सेसिव तो है, वो तो 30 सेकंड का भी खेल नहीं है, सक्सेसिव वाले क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना है। तो ये इसमें पहली बात तो इस क्वेश्चन में पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि ये सक्सेसिव वाला है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको, आपका दिमाग इतना है कि नहीं है कि ये पता लग पाए रखे नहीं। तो वो सारे के सारे वो जो लेक्चर्स हैं लास्ट वाले जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स थे वो पता नहीं अब आपने देखे कि नहीं देखे, अगर नहीं देखे तो जरूर देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको बता भी दिए हैं सारे, तो प्लेलिस्ट में भी देख लेंगे आप नंबर सिस्टम के, तो वो सारे के सारे आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे लेक्चर्स, वो सारे देखो तभी पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगेगा नहीं तो। तो इसके अंदर क्या है कि बोल रहा है कि एक नंबर है उसको अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर आता है। उसके बाद बोल रहा है कि जो क्वोशेंट आपका आ रहा है उसको, क्वोशेंट मतलब कि जो उसका आंसर आ रहा है उसको फिर से डिवाइड करना है एक नंबर से, इज डिवाइडेड बाई 5, तो उसमें फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब मैंने सक्सेसिव में आपको बताया था कि सक्सेसिव का मतलब क्या है, सक्सेसिव का मतलब होता है कि एक नंबर है उसको हमने किसी नंबर से डिवाइड किया तो उसके बाद जो क्वोशेंट आया क्वोशेंट को फिर से हमने दूसरे नंबर से डिवाइड किया है, जबकि कंजीक्यूटिव में ऐसा नहीं होता था। कंजीक्यूटिव में क्या होता था, सेम नंबर से होता था डिवाइड, लेकिन सक्सेसिव में क्या होता, अलग अलग नंबर से होता है। ये मैंने ऑलरेडी उसके अंदर कंसेप्ट पूरा समझाया है, नहीं देखा तो जरूर देखो, उसको बार बार बोल रहा हूँ। तो इसमें वही चीज़ है, इसका तरीका मैंने क्या बताया था आपको, जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही आपको करना है ये क्वेश्चन। तो देखो अब यहाँ लिखते थे हम रिमाइंडर, यहाँ पर वो नंबर होता है, यहाँ होता है क्वोशेंट और यहाँ पर
कि किससे डिवाइड करना है। देखो 13 से पहले डिवाइड करना है तो 13 लिख लिया, उसके बाद बोल रहा है 5 से डिवाइड करना है, 13 और 5 से, है ना, यहाँ 5 लिख लिया। मैंने इसमें बताया था आपको कि अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, क्वेश्चन बताया ही नहीं, फाइनल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए फाइनल क्वेश्चन आता है तो उसको आप 0 ले लीजिए। और मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पर कि ये कुछ इस तरह से आपका बनता है, तो उससे आपकी ये वैल्यू आ जाती है यहाँ वाली। और रिमाइंडर्स आपको दे रखे हैं, इस केस में रिमाइंडर 1 है और इस केस में रिमाइंडर 3 है, ओके। तो मैंने क्या बताया था कि इस नंबर, ये जब कोशेंट है, कोशेंट को हम क्या करते हैं, आपको पता है कि वो, ये तरीके आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, ये होता है, ये तरीका लगा रहे हैं। ये रिमाइंडर्स हैं सारे, ये आपके डिवाइजर्स हैं, और यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाएगी वो क्या है, कोशेंट है। तो क्या करना है, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 0 क्या हो गया, 0, और रिमाइंडर को उसमें ऐड कर देना 3। देखो ये 3 आ गया, वो वैसे भी आपको दिख रहा है कि 3 इसमें रिमाइंडर रह गया, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे 1 दे देता तो फिर क्या होता, 5 इंटू 1 प्लस 3 8, फिर यहाँ पे 8 लिखते, क्योंकि उससे यहाँ पे 1 आ जाता और यहाँ 3 रिमाइंडर आ जाता, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्या लिखेंगे, 13 इंटू 3 39 प्लस में 1 कर देंगे तो 40, यानी कि आपका जो नंबर है वो नंबर कितना हो गया, अब 40 हो गया। अब 40 हो गया तो आप क्या बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 65। जब वो नंबर आपका 40 हो गया, 40 को बोल रहा है अगर 65 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या होगा, भाई तो दिख तो रहा है 40 ही रिमाइंडर हो गया, 65 से डिवाइड ही नहीं हो सकता ना 40, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो ये लेक्चर में भी गाइस जितने इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे ना वो मैंने करवाए हैं, अभी इसके बहुत सारे लेक्चर्स और आने बाकी हैं जिनके अंदर हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, और मेंस से पहले पहले तो हम काफ़ी कुछ कवर कर ही लेंगे, लेकिन मेरा टारगेट है कि प्री से पहले भी वो सारी की सारी चीज़ें आपको पहुँचा दी जाएँ, है ना, जो मेंस वाली हैं, ताकि प्री में भी आपको दिक्कत ना, हालांकि प्री में शायद इतने डीप में वो नहीं जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आप इनको करके जाइए, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, और जब नंबर सिस्टम कर ही रहे हैं तो फिर कंप्लीट कर लीजिए, आधा दूर छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं कि जो नहीं आ सकते हैं, बस इनके कंसेप्ट ऐसे हैं कि कंसेप्ट पता होने चाहिए, अगर कंसेप्ट की थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है फिर तो ये क्वेश्चंस तुरंत निकल जाएंगे, अगर कंसेप्चुअली इसके अंदर आप वीक है ना तो फिर ये क्वेश्चंस आपके कभी नहीं निकल पाएंगे, शायद बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सोचने पर भी नहीं निकल पाएंगे। तो इसीलिए इन लेक्चर्स का आपको बेनिफिट हो पाएगा अगर आप इनको करते रहेंगे तो। तो प्लीज़ ये सारे के सारे आप बना लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने प्रोवाइड कर दिया, हिंदी वालों को बोल रहे थे जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा कि भाई हिंदी में भी बता दो, तो हिंदी में देखो ये बहुत टाइम लगता है सब लिखने में, तो ये हिंदी में भी लिख दिया है, तो इनको आप एज ए नोट्स बना लीजिए, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं एंड में आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है गाइस कि ये वीडियोस आपके काम आ रही हैं और पेड़ से भी ऊपर का कंटेंट है ना, ज़बरदस्त कंटेंट है, तो लाइक ज़रूर करो वीडियो को, और जितना शेयर हो सकता है यार सबको शेयर करो, ताकि सब तक ये कंटेंट पहुँचे, ओके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस।